स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ, जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 और 13 सितंबर को राजधानी रायपुर में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक में कॉन्फ्रेंस लेंगे। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कॉन्फ्रेंस के पहले दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री जिलों के कलेक्टर और संभाग के कमिश्नर से राज्य और केंद्र सरकार की नई कई सारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कलेक्टर और सभागार संभागायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के साथ जिलों में कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों की समीक्षा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अहिवारा विधानसभा स्तरीय सदस्यता अभियान की बैठक में कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान का त्योहार मना रही है। भाजपा का संकल्प है कि हर वर्ग का कल्याण हो। उन्होंने अहिवारा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाने की बात कही। बीजेपी के द्वारा पूरे देश में सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और इसी कड़ी में अहिवारा विधानसभा में सदस्यता अभियान महापर्व का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। प्रक्रिया जारी है भाई, मतलब ये तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो 5 साल 6 साल में उनके काम नहीं हो पाए वो काम आगे बढ़े हैं। अभी किसी काम को होने में थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखना चाहिए। और अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। कितना सकारात्मक परिणाम आएगा सदस्यता अभियान चुनाव के? सदस्यता तो गजब होने वाली है, भाजपा की गजब होने वाली है। और मैं देखता हूँ कि जनता में भी बड़ा उत्साह है, लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। वो विचारधारा जो देश को मजबूत करने वाली है, वो विचारधारा जो समाज को समरस बनाना चाहती है, उस विचारधारा के साथ साथ जुड़ना चाहते हैं। कानून व्यवस्था। और वहीं रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बलौदा बाजार को कई विकास कार्यों की सौगात दी। बलौदा बाजार दुर्ग खरसिया रेलवे लाइन की स्वीकृति दी है। बलौदा बाजार सारंगढ़ रायपुर 4 लाइन 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है तथा बलौदा बाजार एक स्वच्छ और सुंदर शहर बने उसके लगभग 12 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों के लिए स्वीकृति भी प्रदान की गई। नगर पालिका द्वारा आयोजित महिला समूह को भी 10 लाख रुपए दिए गए और इस अवसर पर बलौदा बाजार विधानसभा के विधायक एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित बड़ी संख्या में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उनको देश में स्थापित हो रहा है, 6 से ज्यादा सीमेंट प्लांट यहाँ पर है और बलौदा बाजार नगर सुंदर बने, सुविधा युक्त बने और इसके लिए 10 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। साथ में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के कामों की नई स्वीकृति दी है। और आज ही मैं रेलवे की मीटिंग से आया हूँ तो उसमें हमने कहा है कि यहाँ का जो रेलवे लाइन से जोड़ने का पुराना मामला था उसको फिर से निकाल कर और उसका नया प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें। और साथ में रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए और सारंगढ़ तक जो सड़क का निर्माण होना है लगभग 2300-2400 करोड़ रुपए की, उस सड़क के लिए भी कलेक्टर्स को भी मैंने कहा है तो उसका जल्द से जल्द परीक्षण कराकर और जो अधिग्रहण करना है जमीनों का उसकी कार्रवाई शुरू करें। और खबरों में बढ़ते आगे, सीमेंट के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करेगी। रायपुर जिले में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में आज यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इस प्रदर्शन के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस सीमेंट के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग करेगी। तो सीमेंट के बढ़े दाम जो है और इस पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है और दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ सीमेंट के बढ़े दाम वापस लेने की मांग सरकार से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से सीमेंट के दाम बढ़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर आक्रोश और इसके लिए प्रदर्शन भी करने की खबर सामने आ रही है। जी आपको बता दीजिए कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को बराबर करती नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निर्वाह कर रही है। तो इसी कड़ी में
छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम बढ़े हैं, जो 50 रुपए पर बोरी जो है दाम बढ़े हुए हैं, इसी बात को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी पर तीखा हमला कर रही है और लगातार जो है दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ आज रायपुर राजधानी के साथ पूरे समस्त जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो इनका आरोप है कि सीमेंट के दाम, छत्तीसगढ़ सीमेंट का राज्य उत्पादक राज्य है, ऐसे में दूसरे राज्यों में यहाँ से कम दाम है सीमेंट के, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। इसी सब बात को लेकर कांग्रेस आज सीमेंट के बढ़े हुए दामों को लेकर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में जो है ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की, कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ शामिल हो सकते हैं? जी हुई ये आपको बता दूं कि कांग्रेस के किसी न किसी मुद्दे, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि आज के धरना प्रदर्शन में जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो कितनी उत्सुकता से सीमेंट के बढ़े हुए दामों का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होने की संभावना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, प्रदर्शन के दौरान किस तरह से, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस तरह से तैयारियां देखी जा रही है? जी जी आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो धरना प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार चल रहा है और कांग्रेस आज राज्यपाल से भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल मिलने वाला है कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। और तो बात करें जो प्रशासन की मुस्तैदी की, तो वहीं पर प्रशासन द्वारा जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं और कल शाम से ही पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल तौर पर। मनोज, दीपक बैज के अलावा जो है कांग्रेस के और कौन कौन से नेता है जिनके हवाले जो है ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अलग अलग जिलों में जो है प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर जो है प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही, तो कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? जी आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो शीर्ष बड़े वरिष्ठ नेता है उनको जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जनता के मुद्दों को अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से जोर शोर से उठाने का प्रयास करें। ये ऊपर जो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस को ये आईसीसी से ये निर्देश मिला है प्रदेश के नेताओं को कि आप लोग सभी लोग एकजुटता से होकर जो है जनता के मुद्दों को अच्छे ढंग से मतलब उठा सकते, जिससे सरकार को घेरने का प्रयास कर सकते। और आपको बता दूं कि सामने आपने छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर जनता के मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते हैं आगे, भूव्यवस्थापितों ने जीएम दफ्तर के मुख्य गेट पर ताला जो है वो जड़ दिया है। कोरबा एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र की भूविस्थापितों ने जो है छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में लंबित रोजगार के प्रकरणों का निराकरण कर सभी खातेदारों को रोजगार देने की मांग को लेकर एसईसीएल कुसमुंडा में जीएम कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर घेराव किया है। प्रदर्शनकारी सभी खातेदारों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि एसईसीएल के भूविस्थापित वर्षों से रोजगार की मांग करते हुए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लंबित रोजगार प्रकरणों के निराकरण को लेकर कुसमुंडा कोयला खदान में लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद भी जब मांग पूरी नहीं हुई तब नाराज भूविस्थापितों ने जीएम कार्यालय में ताला जड़ दिया। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 14 सितंबर तक जो है का समय मांगा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 14 तारीख को यदि कोई हल ना निकला तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज भूविस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों की समस्या को लेकर कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी किया गया था, जो सुबह 8 बजे चालू हुआ, करीब 1:30 बजे तक चला। और एसईसीएल प्रबंधन पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे भूविस्थापित आक्रोशित हैं और इसीलिए आज तालाबंदी की नौबत आई है। एसईसीएल प्रबंधन ने उच्च स्तरीय बैठक 14 तारीख को करने का आश्वासन लिखित में दिया है, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त आज हुआ है। अगर 14 तारीख को सकारात्मक चर्चा नहीं होगा तो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोहेल किदवई कोरबा से हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोहेल, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि अब जीएम कार्यालय की घेराव करने की जानकारी सामने आ रही है? रिया, ये मामला कुसमुंडा कोयला खदान का है, जो एसईसीएल का एक
एक सीसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड का एक खदान है। यहाँ पर जो भू विस्थापित है रिया, उन भू विस्थापितों की समस्या को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, धरना प्रदर्शन हुआ, कई बार हड़तालें हुई, लेकिन प्रबंधन ने इन भू विस्थापितों की कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार तंग आकर इन भू विस्थापितों ने जनरल मैनेजर कार्यालय जो कुसमुंडा का है उसके मेन गेट पे ताला जड़ दिया और खड़े हो गए। ये करना था कि इन लोगों का फिर हाथ पैर फूल गया प्रशासन का। लंबी समझाइश दी गई, तमाम इन लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। अंततः इनको लिख के देना पड़ा कि हमको 14 तारीख तक का समय चाहिए, 14 सितंबर तक का, हम आपकी मांगों पर विचार करके हम आपको फैसला देंगे, तब जाकर ये समाप्त हुआ। रिया, बिल्कुल 14 सितंबर तक का समय दिया गया है, लेकिन इसके पहले भी अभी भी देखें तो लगातार जो है ये विरोध प्रदर्शन देखने को ही मिल रहा है। क्या उम्मीद है कि इन लोगों को जो है उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो बात करें तो जीएम कार्यालय में मुख्य द्वार जो है वो बंद है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगे प्रधानमंत्री कार्यालय के भी घेराव करने की जो है ये चेतावनी दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हम देखे प्रदर्शनकारी सोयल, जिस तरीके से हम देखे प्रदर्शनकारी लगातार खातेदारों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए 14 सितंबर का समय दिया गया है, तो अब जिस तरीके से अभी तक प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे देखे तो प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे इंडिया वाइस न्यूज चैनल ने कुसमुंडा खदान में कई बार प्रदर्शन को दिखाया भी है और इसकी न्यूज भी चली है कई बार, लेकिन अब तक इनकी मांगों का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। आलम यह है कि अब थक हार कर इन्होंने आखिरी चेतावनी दे दी है, और इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले 14 सितंबर के बाद कुसमुंडा कोयला खदान बंद हो सकती है। जी क्या संभावना है, ये जो इतने लंबे समय से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ये भू विस्थापित सालों से रोजगार की मांग करते हुए आए हैं, क्या कोई उम्मीद आगे दिखाई दे रही है? बहुत बड़ी बात पूछी जी हुई आपने, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे कुसमुंडा परियोजना की बात हो, चाहे दीपका परियोजना की बात हो, यहाँ कोयला खदान में लेकर लंबित मांगों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन और जैसे चक्का जाम वगैरह होते रहे हैं, लेकिन इन भू विस्थापितों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ तक कि जिला प्रशासन SACL प्रशासन दोनों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन इनका कोई भी हल नहीं निकला, लिहाजा अब ये आर पार की मूड में है। जूही बिल्कुल सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पुलिस बल में नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है, इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया भी शुरू होगी। गृह विभाग ने पुलिस विभाग में अलग अलग 341 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग के पास भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। अब इसमें सब इंस्पेक्टर के सबसे अधिक 278 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह स्वीकृति किए गए सभी पद नए हैं। स्वीकृत नए पदों की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही 960 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया से अलग चलेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी स्वीकृत किए गए 341 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। इस भर्ती में प्लाटून कमांडर के 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों के भरे जाने से पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही युवाओं को स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के बारे में जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, बलरामपुर से यह जानकारी। जिले में ज्वेलरी की दुकान में बड़ी लूट, दिन दहाड़े 8 करोड़ की लूट, सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटे। 3 हथियारबंद लुटेरे फरार, अज्ञात लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम, लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। तो यह जानकारी सामने आ रही है, जिले में ज्वेलरी की दुकान में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया और दिन दहाड़े 8 करोड़ की लूट। वहीं ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और अज्ञात लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, ज्वेलरी की दुकान में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
और वहीं दुर्ग में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के भवन में कुछ लोगों के द्वारा 52 परियों का खेल खेला जा रहा है। इसके बाद यहां जब लोगों ने छापामार कार्रवाई की तो पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के साथ ही आजू बाजू के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के आसपास दुकानें लगाते हैं वो लोग भी 52 परियों के खेल में कर्मचारियों के साथ शामिल हो गए और मशगूल पाए गए। जैसा कि वीडियो में बोला जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के भवन में 52 परियों का खेल खेला जा रहा है और इसे जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। वहीं हम बात करें तो इस मामले की जानकारी यहां के आला अधिकारियों को भी है लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, ये क्या है पूरा मामला? जी जी, बताना चाहेंगे कि कल रात की घटना है जहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो दुर्ग का ऑफिस है वो पूरे मतलब दुर्ग 20 शहर में है, वहाँ पे ऑफिस के जो पीछे रूम बना हुआ वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा युवा खेला जा रहा था, जिसे ये बता दें कि कुछ वहाँ के जो आसपास के रहवासी थे जाकर के जब देखते हैं वहाँ पे 5-7 लोग साइड करके जुआ खेल रहे थे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में। और वो जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हमारे द्वारा जब उनसे संपर्क किया गया, लोगों से बातचीत की गई, तब उनका कहना था कि यहाँ पे जुआ लगभग काफी समय से खेला जा रहा है और लगातार इसका हम देख रहे थे कि और जाकर के जब कल हमने वहाँ पे छापेमारी करवाई की तब वहाँ पता लगा कि वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी का जो चौकीदार है जो प्यून है वहाँ पर वो जुआ खिलवा रहा था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जब हमारे द्वारा जब पीडब्ल्यूडी के जब अधिकारियों से जब संपर्क किया गया तो साफ तौर पे वो इस चीज से इंकार कर दिए कि हमारे ऑफिस का नहीं है और हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि इस तरह की लापरवाही अगर बड़े अधिकारी अगर नकारते हैं और उनके ऑफिस में अगर इस प्रमाइसिस में इस तरह का अगर दृश्य हो रहा है तो युवा जैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके ऑफिस में वहां पर हो रही है तो कहीं ना कहीं जवाबदार जो पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी उनकी जवाबदारी बनती है कि वो चीजों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया काफी लंबे समय से चल रहा था तो पहले इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्या इसकी जानकारी पहले सामने नहीं आई थी? जी, जब हमने जब वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो कर्मचारी उनसे जब संपर्क किया जब बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे मैन सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। सभी जुबान में सब ये कह रहे थे कि जो जुआ का खेल है काफी समय से यहाँ पे काफी दिनों से खेला जाता है लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी खुल के सामने नहीं आता है आकर के, और ये खेल काफी दिनों से यहाँ चल रहा है। और जब अधिकारी इसमें जब बोलने के लिए कैमरे के सामने हमने जब मीडिया ने वहाँ संपर्क किया तो उन साफ तौर पे कहना था कि हम कैमरे में कुछ भी कहने के लिए नहीं है, आप आपका रिकॉर्ड हमसे जो जानकारी चाहते हैं हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें पूरी तरीके से अगर देखें तो विभाग के द्वारा ही सारी चीजों को दबाया जा रहा है। तो अब इसका खुलासा श्रीकांत कैसे हुआ, क्या इसमें जो अन्य लोग शामिल थे उन लोगों ने इसको लेकर जानकारी दी है? जी, जो हम हमारे जब वहां पर हम संपर्क किए तो जो आसपास के जो रहने वाले थे उनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार यहाँ पे रात में जब शाम को जब 6 बजे ऑफिस बंद हो जाती है उसके बाद यहाँ कुछ लोगों का जमघट लगता था और हम जब वहाँ पे कई दिनों से हम देख रहे थे वॉच कर रहे थे इस चीजों को कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जब कल हम अचानक से जब वहाँ जाके देखे तब वीडियो बनाया कि यहाँ पे जुआ चल रहा है तो वहाँ पे जो रहवासी तो काफी परेशान थे और आपको बता दें कि जो जुआ खेल रहे थे वो पीडब्ल्यूडी जो है ऑफिस है उसके आसपास के दुकानदार जो है उन सब मिल करके वहाँ पे जुआ खेल रहे थे। जी जी श्रीकांत, जैसा कि आपने बताया कि इसकी जानकारी जो है पहले से ही जो हायर लेवल के अधिकारी हैं उनके पास थी लेकिन बावजूद इसके इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या अब जब मामला संज्ञान में आया तो क्या अब इसको लेकर किसी तरह की जांच? जी, अधिकारियों का कहना है साफ तौर पर हम वीडियो की जांच कराएंगे कर्मचारी संलिप्त है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसे कार्रवाई कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आते जो अधिकारी उच्च अधिकारी पीडब्ल्यूडी के वो कहीं ना कहीं दायरे में आती कि उनके संज्ञान में चीजें जो पहले से थी तो उनको इससे कड़ी कार्रवाई करनी थी जो कि नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे संरक्षण इस तरह से देखिए तो संरक्षण मिल रहा है उन कर्मचारियों को जो आप बिल्कुल जिस तरीके से ऐसी जो चीजें वारदातें सामने आती हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो
अधिकारी हैं, कमी उनकी देखी जाती है। लेकिन एक तरफ हम देखें लगातार शासन प्रशासन जो है इस तरह की चीजों पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के लोग इसमें मशगूल होते हैं। क्या अब जो ये मामला सामने आया, संज्ञान में आया, तो कब तक इस पर जांच की जो कदम है जांच के लिए उठाए जा सकते हैं? जो बताया जाएंगे कि पुलिस विभाग के द्वारा लगातार धर पकड़ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफी जोर शोर से और लगातार कार्रवाई की जाती है, पर इस तरह की जब सरकारी दफ्तरों में होती है संरक्षण मिलता है और वहाँ पर लोग खेलने जाते हैं, वहाँ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं सबके दायरे में प्रतिबंध आता है और अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम इसकी जाँच करेंगे, पर उन्होंने समय नहीं बताया कि हम तब तक इसकी जाँच करेंगे और इसके काम एक्शन लेंगे। उनका कहना था कि अगर फाइल जाती है वीडियो पे तो हम जो कर्मचारी पे जिस वीडियो में हम उसमें एक्शन लेंगे। जी श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, कांकेर जिले से खबर सामने आ रही है। पंखाचूर में गौ तस्करों के खिलाफ ग्रामीण जो है वो लामबंद हुए। गौ तस्करी करने वालों को ग्रामीणों ने गाय सहित दबोच लिया और मौके पर पहुंची पुलिस। फिर जांच के दौरान जो है हंगामा हुआ, इसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा मामला पंखाचूर थाना क्षेत्र के गांव पीवी 22 का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, कोरबा जिला अस्पताल में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फिर गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों के साथ साथ आम जनता भी शामिल हुई और इन लोगों की मांग थी कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी एवं सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। काफी देर तक चले इस चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन परेशान रही और प्रदर्शनकारियों को काफी समझाने बुझाने के बाद भी बात नहीं बनी। फिर जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को प्रदर्शन स्थल पर आना पड़ा और उन्होंने सरकार की तरफ से त्वरित दुर्घटना राशि 25,000 रुपए एवं नौकरी का आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म करवाया। ड्यूटी से जा रहे थे भाई है मेरा जोर से बोलिए। हाँ, कल ड्यूटी से जा रहे थे 100 पे आयुष्मान मित्र में रहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जी। कल जा रहे थे पीछे से यही सामने PDS वाला चावल गाड़ी था वो भेजिए लापरवाही पूर्वक चला के एक्सीडेंट कर गए, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। तो मांग है वहाँ स्वामी से 10 लाख मुआवजा दिलाया जाए और इनके परिवार एक प्राइवेट या शासकीय नौकरी दिलाया जाए और जो शासन द्वारा प्रदत्त जो है आर्थिक सहायता राशि वो दिलाया जाए और यहाँ पे ब्रेकर जो है वो चार मांगे हमारी। बलौदा बाजार यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जब्त कर नष्ट किया गया। ये सभी मोटर व्हीकल जब्त किए गए थे। आपको बता दें ऐसे प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर जिसमें पटाखे टाइप की आवाज आती है, इससे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। यातायात द्वारा चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस अधीक्षक के सामने नष्ट किया गया। और छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।